अपनी मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं, अपनी मातृभूमि की, जिस भूमि में हमने जन्म लिया। तू दो कोड़ी की उर्द सीमा हैदर हमें कहती है कि हम नेपाल में पैसे लेने गए थे, अरे अगर हम बाथरूम कर देना बाथरूम, मेरी बहन की मदद कर दो, ये स्कैम दे दिया, इसमें पैसे डाल दो, अबे डूब के मर जा, लानत है तेरे पे, एक भाई के होते हुए तू स्कैम दुनिया को दे रहा है, तू भीख मांग रहा है, लानत है तेरी जिंदगी पे। पानीपत कोर्ट ने नोटिस भेजा था इसके सारे चैनलों को बंद करने के लिए, वो कोर्ट में कल इसको नोटिस मिल चुका, रघुपुरा के अंदर उसकी डिलीवरी हो चुकी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का वकील अपना आपको कह रहा है इलाका मजिस्ट्रेट में वहां वकालत करने पर मजबूर हो गया। आएगा तुम दबा के 2 तारीख को, जो भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, भारत के गृह मंत्री रहे हैं, उन्होंने खुद अंसार परनी साहब को बुला के उनका स्वागत किया था। ये देखिए, उप प्रधानमंत्री थे और देश के गृह मंत्री थे, तो क्या देश का गृह मंत्री एक गलत आदमी को बुलाएगा भारत में? एपी सिंह, तेरा दिमाग नाम की चीज नहीं है, और तू जितनी स्क्रिप्ट लिख के देता है ना इस सीमा को, ये जल्दी सारी स्क्रिप्ट खत्म होने वाली है, चिंता मत कर। कल सेशन कोर्ट फरीदाबाद पोस्को कोर्ट में लगा हुआ केस, चिंता मत कर, ये पोस्को कोर्ट है, दुनिया के किसी कोने में छुप जाना, बक्सेगी नहीं। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अंसार बरनी साहब को बुला करके मान सम्मान दिया अपने घर के अंदर, जब वो गृह मंत्री थे देश के, गृह मंत्री भी रहे हैं, उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो क्या वो इंसान गलत हो सकता है? क्या तू एक एक कीड़ी के बच्चे को छुटा ले पाकिस्तान से, जो हमारे बहुत सारे इंडियन कैदी हैं जिसमें ज्यादातर हिंदू समाज के लोग हैं, तू एक कीड़ी का बच्चा ही ले आ छुड़वा के यार, तू पाकिस्तान से कीड़ी का बच्चा छुड़वा के ले आ। अरे हम देश की सेवा कर रहे हैं, हम पाकिस्तान से अपने भारतीय जो हिंदू हैं उन भाइयों को जेल से निकाल निकाल के भारत में लेके आते हैं, हम देश की सेवा कर रहे हैं, तू एक कीड़ी का बच्चा नहीं ला सकता, कीड़ी का बच्चा, और हम देश की सेवा कर रहे हैं। तो कोई भारतीय वकील अगर पाकिस्तान में जाके भारतीयों के लिए लड़ाई लड़ेगा, उनको जेल से निकाल के भारत में लेके आएगा, तो वहां पर वकीलों की तो जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, ह्यूमन राइट ट्रस्ट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? इसलिए हम जो है अंसार मरनी ट्रस्ट के हमारे दोस्त हैं, ताकि वो हमारे भारतीयों को निकलवाने में हमारी मदद करते हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तुझे क्या पता कि हम कितनी बड़ी देश की सेवा कर रहे हैं? हम दिखावे के लिए नहीं, अखबार में लाने के लिए नहीं, अपनी मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं, अपनी मातृभूमि की, जिस भूमि में हमने जन्म लिया उस भूमि की, मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं हम। ऐसे ऐसे भारतीय कैदियों को हम जेलों से निकाल के लाते हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं, सरकारें भी उनकी नहीं सुनती, सरकार भी कोई मदद नहीं करती, ऐसे ऐसे लोगों को हम जेलों से निकाल के लाते हैं, और वो ज्यादातर लोग हिंदू समाज के होते हैं, मुस्लिम समाज के नहीं होते, क्योंकि मुस्लिम समाज का कोई इंसान फंस जाता है तो उनकी रिश्तेदारी भारत में है, वो अपना वकील खड़ा कर लेते हैं वहां आपस में कॉन्टेक्ट करके रिश्तेदार। लेकिन हिंदू भाई के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है, उसकी कोई मदद जो नहीं हो पाती, सरकार की तरफ से भी कोई मदद नहीं हो पाती, क्योंकि लंबा प्रोसेस है, डिप्लोमेटिक प्रोसेस है, हम वकील लोग हैं जो उनको जेलों से निकाल निकाल के भारत में लेके आते हैं, और तू हम पे उंगली उठाता है, तू दो कोड़ी की उर्द सीमा हैदर हमें कहती है कि हम नेपाल में पैसे लेने गए थे, अरे अगर हम बाथरूम कर देना बाथरूम, सुन, अगर हम बाथरूम कर देना, हमारा बाथरूम भी तुम्हारी औकात से कीमती है, ये समझ लो, हमारा बाथरूम भी कीमती है, क्योंकि हम कीमती लोग हैं भारत के, हमने भारत की भूमि पर जन्म लिया है, भारतीय लोगों की क्या अहमियत है, भारत की भूमि की क्या अहमियत है हम जानते हैं, तेरे की तरफ भीख मंगे नहीं है, जो सकैन उठाया, ओ मेरे पति का काम नहीं चल रहा, मेरे इल्लीगल पति का काम नहीं चल रहा, मेरी मदद कर दो, कोई हमें मदद नहीं करता, और तेरा भैया भी सकैन दुनिया को, भाई मैं तो कंगाल हूं,
मेरी बहन की मदद कर दो, ये स्कैम दे दिया, इसमें पैसे डाल दो। अबे डूब के मर जा, लानत है तेरे पे। एक भाई के होते हुए तू स्कैम दुनिया को दे रहा है, तू भीख मांग रहा है, लानत है तेरी जिंदगी पे। ऐसे भाई पे लानत है जो खुद जिंदा रहे वकील होते हुए और दुनिया से भीख मांगे, दुनिया को स्कैम दे कि इसमें पैसा डालो। गुलाम हैदर तेरे से लो लाख गुना बेहतर है। उस बंदे ने आज तक किसी से भीख नहीं मांगी कि मेरी मदद करो। और तू मोमिन मलिक को कहती है कि वहां नेपाल पैसे लेने गया था। किसी की औकात है मोमिन मलिक को पैसे दे दे? कितनी औकात है मोमिन मलिक को पैसे दे सकते हो क्या? इंसानियत के लिए ये केस लड़ा है और इंसानियत के लिए लड़ूंगा। पर्सनल अटैक करती है तू, तुझे समझाया था ना मैंने पहले, मैं तेरी गोपी खोद दूंगा मैं अगर तू पर्सनल अटैक करेगी। कल फिर 5 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस। तूने ये कहा कि नेपाल में फंडिंग लेने गया था, नेपाल में पैसे लेने गया था। 5 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस कल फिर तुझे आ जाएगा, चिंता मत कर। एक नोटिस तो कल मिला है ना तेरे को, याद है? तू जो कहती है कि नोटिस मेरे को मिला नहीं जी, नोटिस मेरे को मिला नहीं, झूठ बोलते हैं ये है वो है फला डिका, ये ले। पानीपत कोर्ट से नोटिस गया वो सीमा हैदर के नाम का, वो कल तुझे मिल चुका, उसकी डिलीवरी हो चुकी, ये डिलीवरी रिपोर्ट। जो पानीपत कोर्ट ने नोटिस भेजा था इसके सारे चैनलों को बंद करने के लिए, वो कोर्ट में कल इसको नोटिस मिल चुका, रबुपुरा के अंदर उसकी डिलीवरी हो चुकी। ये देखो ये डिलीवरी हो चुकी, ये लिखा हुआ है। कल 10:34 पे इसको नोटिस मिल चुका, ये नोटिस ले चुकी। अब इसका भैया जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का वकील अपना आपको कह रहा है, अब वो पानीपत की सबसे इलाका मजिस्ट्रेट में वहां वकालत करने पर मजबूर हो गया। आएगा तुम दबा के 2 तारीख को और कोर्ट में पेश होगा, कहता मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा हूं। अब वो हमारे पानीपत जिले की जो सिविल जज, जो माननीय अदालत है, जो जहां से कोर्ट शुरू होती है, वहां छोटी कोर्ट में जो जहां से कोर्ट की शुरुआत है उस कोर्ट में जो है पेश होगा। तो ये किसने किया? मोमिन मलिक ने तुझे सुप्रीम कोर्ट की वकालत करने से तुझे जिला कोर्ट में बुला लिया, खड़ा कर दिया ना। कल आएगा, कल परसों 2 तारीख को, क्योंकि तेरी बहन जी को नोटिस मिल चुका। ये इसका मैरिज सर्टिफिकेट जो इसने भाग के शादी की थी, जिसमें इसके साइन भी है, अंगूठे भी है। और ये कहती है ना कि मुझे तो पता ही नहीं था। कितनी चलाक औरत है, कितनी झूठी औरत है। कहती है मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे तो साइन करा लिए, मैं तो जानती